जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास अजंता का जो है वॉच आया हुआ है और काफ़ी ओल्ड वॉच है और काफ़ी मतलब अच्छा वॉच भी होता है। इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, मतलब ये जो है दोस्तों ये आपको नचेगा, ठीक है, मूव करेगा वो। उसके बाद ये भी दोस्तों ये सभी काम करता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हर एक घंटा में जो है आपका ये अलार्म बजेगा, मतलब इंडिकेट करेगा कि हाँ इतना बज चुका है। और तो ये क्या है दोस्तों कि ये जो है जब ख़राब हो जाता है, बाय द वे अगर नहीं चल रहा है या अलार्म वगैरह नहीं बजता है या ये मूव नहीं करता है ना, या ये सब जो है काम नहीं करता है, तो दोस्तों जो है जब उसमें जो है नहीं काम करता है तो उसको कैसे ठीक करें। अब बेसिक दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि इस तरह का घड़ी में जो है थोड़ा तार वगैरह थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ रहता है, ज़्यादा दिया हुआ नहीं रहता आई थिंक, ठीक है, तार बहुत कम दिया हुआ रहता है, मगर उसका जो कनेक्शन रहता है थोड़ा सा अजीब तरह का रहता है, ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रहता है। तो दोस्तों जो है समझ में नहीं आता तो लोग ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो दूसरा घड़ी ले लेते हैं या फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज इस तरह का घड़ी जो है दोस्तों थोड़ा सा बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ जो रहता है, उस तरह घड़ी में अगर जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखो दोस्तों ये जो है इसका ये अंदर मशीन है, ठीक है, इसका ये ढक्कन है, ठीक है। तो चलिए इस मशीन को पहले हम खोलते हैं और फिर जाने हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम पहले नट जो है वगैरह खोल देते हैं। तो देखो दोस्तों ये तो जो है नट खोल चुके हैं, चलिए इसको हम बाहर कर देते हैं। आप इसको बाहर कर दिए दोस्तों, आप देखो इसमें क्या क्या कनेक्शन होता है ये आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ जो कनेक्शन जो मूव यहाँ जो मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है जो मूव रोटेट करता है उसका एक बैटरी लगा हुआ है। ये देखो ये एक बैटरी लगा हुआ है, आप देखो दोस्तों ये जो बैटरी लगा हुआ है इसी से जो है इसका ये मशीन नीचे ये मशीन दिया हुआ है, ये जो है मशीन दिया हुआ है, ये बैटरी जो है कि बैटरी का वोल्ट जो इस मशीन में जाएगा और उसके अंदर से मशीन में वो लगा हुआ है तो वो काम करेगा। देखो दोस्तों इसका बैटरी का कनेक्शन क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ आया है और यहीं से एक तार जो है दोस्तों ये देखो तार लगे मशीन में गया है ना। ये कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो तार टूटा हुआ है दोस्तों है ना, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम यहीं से होगा। और कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे जो है दोस्तों ये देखो पुराना हो गया तो जंग लग जाने के कारण जो है ये जो मुड़ा हुआ रहता है वो सही से कनेक्टिविटी नहीं ले पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो है इसमें वोल्ट पास नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ भी प्रॉब्लम आता। तो साफ करके आप लगा दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत में अक्सर में तो यही होता है दोस्तों स्प्रिंग ख़राब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये भी स्प्रिंग ख़राब हो ही चुका है और इसमें भी यही है सेम दोस्तों, यहाँ का तार यहाँ लग गया है, यहाँ से एक इसमें आ गया है, ठीक। तो इधर का हटाइए आप, ठीक। अब इधर का क्या आते हैं, ये देखो मेन ये मशीन है, ठीक। अगर ये मशीन काम नहीं करता है दोस्तों तो इसका डिटेल में वीडियो आपको बना हुआ है, जाके आप विजिट कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट में डाला गया है, ठीक है। तो इसमें जो है कैसे ठीक करें वो डिटेल में बताया गया है, आप एक बार देख लोगे तो कोई भी तरह का घड़ी हो किसी भी तरह का हो ये मशीन आप खुद से रिपेयर कर सकते हो, आप मिस्त्री हो तो भी नहीं हो तो भी ठीक कर सकते हो। आप देखो क्या दोस्तों इसमें जो है बैटरी देंगे, ठीक। अब इसमें से दो तार आया हुआ इसमें, ये देखो ये दो तार आया हुआ, दो तार इस बॉक्स में गया है, इस बॉक्स में गया है और इसमें से दोस्तों दो तार आया यहाँ से। देखो दोस्तों इस बैटरी का जो है ना दोस्तों इसका दो तार इसमें आया है, ठीक। इसमें देखो दोस्तों बहुत सारा तार लगा हुआ है, बहुत सारा तार दिया हुआ है ना, मगर तार देखो दोस्तों इसमें तार क्या दिया हुआ है दिखाते हैं आपको। इसमें चाहता तो कोई लफड़ा नहीं था, मगर ये सब तार खोस के जो है थोड़ा सा जटिल कर दिया है कि देखने में लगेगा कि हाँ बहुत सारा तार है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से दो गो बैटरी का तार इसमें आया है, देखो इसमें टोटल जो है क्या कोई तार है दोस्तों, ये इसमें लगभग एक दो तीन और यहाँ से मैंने चार को तार है, दो को बैटरी का प्लस माइनस आ गया और दो को जो है ये स्पीकर को दे दिया, ये क्या है स्पीकर को दे दिया, ताकि ये जो है घंटा में जब 12 बजेगा तो आप ये स्पीकर बोलेगा, ठीक है, जो भी आवाज़ करे, 1 बजेगा तो भी आवाज़ करेगा, ठीक है। तो घंटा के को प्रदर्शित करता है कि हाँ ये घंटा इतना बज चुका है, ठीक है। चलिए तो ये तो इसका काम तो हो गया, उसी में देखो दोस्तों यही कनेक्शन दिया हुआ, जैसे यहाँ से दो को तार आया ना बैटरी का प्लस माइनस, तो दो को तार डायरेक्ट यहाँ आया, ठीक है। फिर यहीं से इसका एक तार यहाँ से ज्वाइंट करके, देखो यहाँ पर मैं बाय द वे एक बात बोल रहा हूँ, मैं यही तार है, ठीक है, ये ज्वाइंट होके उसके बाद इसमें आया है। तो कभी कभी होता क्या दोस्तों इसमें कार्बन लग जाने के कारण जो है सही से काम नहीं कर पाता है, सही से कंटिन्यूटी नहीं ले पाता है, तो इसको ब्लेड से साफ करके फिर से मोड़ के तब आप डाल दोगे तो जो है आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, अगर बाय द वे अगर स्पीकर वगैरह नहीं बजे तो ये अब करके देखना 100% ठीक हो जाएगा। अब देखो दोस्तों
इसके बारे में समझ गए। और यहीं से दो और दो को जो प्लस माइनस आता है तो इसमें आता है, ये छोटा वाला है ना दोस्तों किट, ये किट में आता है। ये क्या है दोस्तों पता है, ये हर समय ये चलते रहेगा, ये जो है मूव करते रहेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये वायर दिया हुआ, ये मैग्नेट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कॉइल लपेटा हुआ है। तो इसको जो है इसको खींचता है तो हर समय जो है हिलते डोलते रहता है ना, यहाँ से जो है ये हिलते डोलते रहता है ये नीचे का, तो थोड़ा दिखने में जो है अच्छा लगता है। और दोस्तों इसमें जो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं दोस्तों, अगर इसमें ये अगर नहीं चले, अगर ये काम नहीं करे, ठीक है, तो आपका जो दोस्तों ये जो है आपका डायरेक्ट इसको मशीन को खोल के आप रिपेयर कर सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों अक्सर में तो यही देखा है मैंने, ठीक है, 80% की इसका जो तार वगैरह टूट जाता है, ठीक है, इस सब तार वगैरह टूट जाता है, यानी तो जो स्प्रिंग है दोस्तों इस सही से कनेक्टिविटी नहीं ले पाता है। देखो दोस्तों ये सब में दोस्तों, देखो दोस्तों एकदम कितना स्थिति खराब है इसका, है ना, देखो इतना खराब हो गया कि जंग लग गया, देखो ये टूट जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बैटरी लगा के सही बैटरी वोल्ट चेक कर लेना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो बस यही स्प्रिंग वे में जो है प्रॉब्लम आता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।